जीजुन दामी को जाकर उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पूछता है और दामी भी उसे सब सच बता देती है। जीजुन दामी से पूछता भी कि तुमने मुझसे इतने समय तक सच क्यों छुपाया, तो जवाब में दामी कहती कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और तुम्हारे पापा के रिश्ते में और भी ज्यादा खटास आ जाए। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें पता हो या ना हो कि मैं ही दामी हूँ, क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी जाने बगैर ही तुम मुझसे प्यार करने लगी थी। दामी का जवाब सुन जीजुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दामी जीजुन को किस करती है। दामी की सच्चाई जानने के बाद जीजुन सोयन से अपनी शादी तोड़ने के लिए जाता है, पर इससे पहले जीजुन सोयन से कुछ कह पाता सोयन खुद से ही जीजुन से शादी करने से मना कर देती, ये कहते हुए कि वो एक समझौते वाली शादी कभी नहीं कर सकती और ऐसे रिश्ते का फायदा ही क्या है जिसमें प्यार ही ना हो। सोयन जीजुन से ये भी कहती है कि वो इस ब्रेकअप के बारे में अपने पापा को इन्फॉर्म कर देंगी। सोयन से बात करने के बाद जीजुन वापस अपने घर लौट जाता है और बेचारी सोयन रात भर रोती रहती है। दरअसल सोयन इस बात को जान गई थी कि जीजुन सच में राजा से प्यार करता है और इसी वजह से वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी। अगले दिन इंस्पेक्टर को जब पता चलता है कि सोयन जीजुन से शादी नहीं करना चाहती, वो जीजुन को डांटने लगते, पर उल्टा जीजुन उन्हीं से कहता है कि आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि राजा असल में दामी है। जीजुन के डैड के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और वो इस बात को टालने के लिए जीजुन से यही कहते कि उन्होंने हमेशा वही किया जो उस समय उन्हें सही लगा। अपने पापा से नाराज होकर जीजुन उनके घर से चला जाता है। उसी रात इंस्पेक्टर नाना जी को मारने की कोशिश करते हैं, पर नाना जी का एक आदमी इंस्पेक्टर को देख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए इंस्पेक्टर को उस आदमी को ही मारना पड़ता है। वेल, यहाँ पर इंस्पेक्टर नाना जी को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि जल्दी नाना जी को पता चल जाएगा कि राजा एक लड़की है और जैसे ही उन्हें ये बात पता चलेंगे वो जीजुन को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो अपने बेटे को बचाने के लिए इंस्पेक्टर ने नाना जी को मौत की घाट उतारने का मन बना लिया था। अगले दिन नाना जी को जैसे ही अपने सेवक की लाश मिलती है वो समझ जाते हैं कि ये खून इंस्पेक्टर ने ही किया है। अब नाना जी अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए उनके बड़े भाई से हाथ मिला लेते हैं। दूसरी तरफ दामी, जीजुन और बॉडीगार्ड मिलकर वैद्य जी को पकड़ लेते हैं, पर उनसे पूछताछ करने पर भी उन तीनों को नहीं पता चलता कि आखिर वो जहर वाली जड़ी बूटी नाना जी के पास कहां पर रखी हुई है। पर उन्हें वैद्य जी से ये बात तो पता चल गई थी कि वो जहर कहीं ना कहीं नाना जी ने अपने घर में ही छुपा कर रखा है। थोड़ी देर बाद दामी अपने नाना जी के सामने दादी जी से कह देती है कि वो ये बात जानती है कि वो अपनी जुड़वा बहन के साथ पैदा हुई थी और उसी दिन उसकी बहन को मार दिया गया था। दामी के मुंह से ये बात सुनने के बाद दादी को बहुत बड़ा झटका लगता है कि आखिर राजा को ये सारी सच्चाई कैसे पता चली। तो दामी बताती है कि कल रात नाना जी ने मुझे सब सच बता दिया। दामी से सब कुछ जानने के बाद दादी नाना जी को घूरने लगती है। दूसरी तरफ नाना जी के आदमी जीजुन की मोम को अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं, पर वक्त रहते इंस्पेक्टर आकर अपनी वाइफ को बचा लेते हैं। अपनी मॉम को इस तरह बेहोश देख जीजुन उन्हें अपने क्लिनिक में ले जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद उनकी हालत स्टेबल हो जाती है। जीजुन अपने पापा से पूछता भी कि अब नाना जी हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं, तो जवाब में इंस्पेक्टर कहते कि उन्हें पता चल गया है कि मैं कई समय से उनसे किंग की सच्चाई छुपा रहा हूँ और इसी वजह से उन्हें लग रहा है कि मैंने उनके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापा की सारी बातें सुनने के बाद जीजुन उन्हें जहर के बारे में पूछता है, तो इंस्पेक्टर जीजुन से कहते हैं कि सिर्फ जहर ढूंढने से तुम नाना जी को गिल्टी साबित नहीं कर पाओगे। तो जीजुन कहता है कि वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस मुझे इतना बताइए कि नाना जी ने जहर कहाँ पर रखा है। इंस्पेक्टर जीजुन को बता देते कि नाना जी ने जहर अपने घर में किसी ब्लू बॉक्स के अंदर छुपा कर रखा है। दूसरी तरफ युन का बड़ा भाई दामी के सेवकों को अपना बंदी बना लेता है और युन को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। नाना जी के घर में घुसकर जीजुन जहर ढूंढने में कामयाब हो जाता है, पर किस्मत अच्छी ना होने की वजह से ही जीजुन और इंस्पेक्टर दोनों ही पकड़े जाते हैं। जख्मी हालत में युन दामी के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि वो उसके सेवक और सेविका को अपने बड़े भाई का बंदी बनने से नहीं बचा पाया। युन को इस हालत में देख दामी पैनिक करने लगती है। दूसरी तरफ नाना जी ने दामी के दास, दासी, जीजुन और उसके पापा को अपना बंदी बना लिया था। नाना जी ने जीजुन से वो जहर वाली डब्बी भी वापस ले ली थी। अब जीजुन और इंस्पेक्टर के पनिशमेंट के तौर पर नाना जी इंस्पेक्टर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा ताकि तुम और भी ज्यादा तड़पो। इंस्पेक्टर नाना जी से अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगते हैं और जैसे ही नाना जी के सिपाही जीजुन को मारने वाले होते दामी वहां पर अपनी आर्मी के साथ आ जाती है और सभी सैनिकों को रोक देती है। दामी की आर्मी आकर नाना जी के सैनिकों को मार देती है। दामी नाना जी को भी अरेस्ट करवा लेती है। जब नाना जी दामी से पूछते कि आखिर मैंने गुनाह क्या किया है, तो जवाब में दामी कहती कि आपने मेरे खिलाफ बगावत की है। इतना बोलकर दामी नाना जी के हाथ से वो पॉइजन वाली डब्बी भी ले लेती है और अपने आदमियों से कहकर नाना जी को अपना बंदी बना लेती है। बदकिस्मती से उनका बड़ा भाई वहाँ से भागने में कामयाब होता है।
दामी अपने सभी साथियों को छुड़ा लेती है और अगले दिन कोर्ट रूम में सभी मिनिस्टर्स के सामने ये फैसला सुनाती है कि नाना जी ने लेट किंग को मरवाने के साथ साथ महल में और भी बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं और इसी वजह से उन्हें सजाए मौत दी जाती है। दामी बॉडीगार्ड के पापा के नाम पर जो धब्बा लगा था उसे भी क्लियर कर देती है और अपने छोटे भाई को पूरी रिस्पेक्ट के साथ वापस अपने कोर्ट रूम में बुलाती है। अपना फैसला सुनाने के बाद दामी दादी जी से जाकर मिलती है और उन्हें सच्चाई बताते हुए कहती है कि वो असलियत में उनका ग्रैंडसन नहीं बल्कि उनकी ग्रैंड डॉटर है। दामी दादी जी से ये भी कहती है कि वो अपना थ्रोन अपने छोटे भाई को पास ऑन करना चाहती है। सच्चाई जानने के बाद दादी जी के पैरों तले जमीन ही सरक जाती है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक से उनकी जिंदगी इतनी उथल फुथल कैसे हो गई। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर दामी से मिलते हैं और अपने सारे गुनाहों को कबूल करते हैं। दामी भी इंस्पेक्टर से कहती है कि उनकी सजा सोचने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए, पर तब तक दामी इंस्पेक्टर को आदेश देती है कि इंस्पेक्टर रॉयल आर्मी के साथ मिलकर नाना जी की आर्मी को खत्म कर दे। रात में दामी नुआ के पास आती है और उसे बताती है कि वो उसके पापा की सजा कम से कम करवाने की कोशिश करेगी। दामी नुआ से ये भी कहती है कि उसने नुआ का नाम क्वींस के रिकॉर्ड्स में से हटा दिया है, अब से किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि नुआ नाम की रानी कभी एग्जिस्ट भी करती थी। नुआ दामी से पूछती भी कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो दामी कहती कि मैं बस तुम्हारी भलाई चाहती हूँ ताकि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सको। दामी नुआ को ये भी बता देती कि वो एक लड़की है। नुआ को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो फूट फूट कर रोने लगती है। दामी नुआ को समझाती है और उससे अपने गुनाहों के लिए माफी भी मांगती है। अगले दिन एक अनजान आदमी यून को उसके बड़े भाई का मैसेज देता है, पर वो मैसेज उनको समझ ही नहीं आता। दूसरी तरफ दामी को अपने दास से पता चलता है कि नाना जी जेल से भाग चुके हैं। इंस्पेक्टर भी रॉयल आर्मी के साथ नाना जी की आर्मी के ठिकाने पर जाते हैं, पर वहां पर उन्हें नाना जी की आर्मी नहीं मिलती। दूसरी तरफ यून अपने बड़े भाई का मैसेज डिकोड करने में कामयाब होता है। वो दामी के पास जाता है और उसे बताता है कि जल्दी उसका बड़ा भाई महल में हमला करने वाला है। दामी को जैसे ही बात पता चलती है वो अपने छोटे भाई को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी यून को देती है। दामी जानती थी कि उसके नाना जी सबसे पहले उसके छोटे भाई को ही मारेंगे क्योंकि अगला राजा वही तो बनने वाला था। दूसरी तरफ नाना की आर्मी महल पर हमला कर देती है और दामी जीजुन और रॉयल सैनिक मिलकर उन सभी लोगों का सामना करते हैं। यून का बड़ा भाई यून और दामी के छोटे भाई को पकड़ लेता है और उन्हें अपना बंदी बना लेता है। यून का बड़ा भाई जैसे ही दामी के भाई को मारने वाला होता है दादी जी आकर उसे रोक देती है, पर यून का बड़ा भाई दादी जी को भी अपना बंदी बना लेता है और दामी के छोटे भाई को जान से मार देता है। यून को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो दामी के छोटे भाई को नहीं बचा पाया। यून का बड़ा भाई उसे भी जान से मारने की कोशिश करता है, पर सही समय बॉडीगार्ड आकर यून की जान बचा लेता है और उसके बड़े भाई को जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ नाना जी और दामी की आर्मी के बीच भी जोर शोर से लड़ाई चल रही थी। बॉडीगार्ड दामी को आकर बताता है कि उसका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने छोटे भाई की बॉडी देख दामी पूरी तरीके से टूट जाती है। दूसरी तरफ नाना जी के सैनिकों से लड़ते हुए इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और अपने अंतिम समय में वो जीजुन से उनके सभी गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। इंस्पेक्टर जीजुन से ये भी कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी सच्चाई की तारीफ करते हुए ही अपना दम तोड़ देते हैं। नाना जी उनके बड़े भाई को जख्मी देख वैद्य जी से कहते कि आपको इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा क्योंकि यही अगला राजा बनेगा। इतनी सारी मौतें देखने के बाद दामी पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी नाना जी से मिलेंगी। दामी के साथी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दामी उनसे कहती है कि अब वो नाना जी का बुरा साया किसी पर भी नहीं पड़ने देंगी। दामी नाना जी के पास जाती है और उनसे कहती कि आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। दामी की ये बात सुन नाना जी खुश होते हैं और वो दोनों अकेले बैठकर बातचीत करते हैं। दामी नाना जी से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको आज तक नहीं बताया कि मैं एक लड़की हूँ और आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी ही गलती है। दामी की माफी सुनने के बाद नाना जी उससे कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी ज्यादा गलती नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी जो कि मैंने तुम्हें मारने के बाद ये चेक नहीं किया कि तुम सच में मरी भी हो या नहीं, और दूसरी गलती मेरी बेटी यानी कि तुम्हारी माँ की है जिसने तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश की। नाना जी दामी से ये भी कहते कि सब कुछ सही करने के लिए तुम्हें मरना होगा। दामी नाना जी से कहती है कि आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, पर मरने से पहले मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप मेरे हाथ की चाय पिए। नाना जी दामी की बात मान जाते हैं और वो दोनों ही चाय पीते हैं। दूसरी तरफ हम दामी की दासी को सुसाइड करते हुए देखते हैं, पर वक्त रहते बॉडीगार्ड आकर उनकी जान बचा लेता है। जुन दासी से पूछता भी कि आखिर आप इतना कड़ा कदम क्यों उठा रहे हो, तो दासी बताती है कि दामी ने अपनी और नाना जी की चाय में वही जहर मिलाया है जो कि राजा को दिया गया था
और वो जल्द ही हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली जाएंगी। जीजुन जैसे ये बात सुनता है वो दामी को बचाने के लिए भागता है। दूसरी तरफ नाना जी के दो कप चाय पीते ही दामी उन्हें बताती है कि उसने नाना जी की चाय में जहर मिलाया है और अब वो दोनों साथ में इस दुनिया को छोड़ देंगे। दामी के इतना कहते ही नाना जी और दामी को खून की उल्टी होने लगती है। नाना जी तो अपना दम तोड़ देते हैं पर जीजुन सही वक्त पर आकर दामी की जान बचा लेता है। अगले दिन दामी को होश आता है और वो जीजुन को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ दादी जी अपने सैनिकों को आदेश देती है कि नाना जी के शव को कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया जाए। दादी दामी से भी कहती है कि उसे महल से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि किसी को पता चले कि वो जिंदा है। पर दामी दादी से कहती है कि अब वो और अपनी सजा से नहीं भागना चाहती। थोड़ी देर बाद दामी को मुजरिम के तौर पर नए राजा के सामने लाया जाता है। अब जो कि राजा की गद्दी संभालने वाला कोई नहीं बचा था तो ये गद्दी उनको दे दी जाती है। दामी को अपना झंडा छुपाने के लिए और इतने सालों तक सभी लोगों को धोखा देने के लिए सजा सुनाई जाती है। पर सभी मिनिस्टर्स और कोर्ट मेंबर्स राजा से गुजारिश करते हैं कि अगर दामी को कोई भी सजा मिलेंगी तो उतनी ही सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए क्योंकि दामी ने कभी भी राज्य का कोई भी रूल नहीं तोड़ा और उसने जो कुछ भी किया वो सब राज्य की भलाई के लिए ही था। सभी लोगों का पक्ष सुनने के बाद यून दामी की सजा को माफ कर देता है और उससे कहता है कि वो कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती है। यून के इस फैसले से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि दामी और जीजुन एक नई जगह पर जाकर अपना नया घर बसाते हैं और उनसे मिलने के लिए कभी कभार दामी के दास दासी बॉडीगार्ड और यून आते हैं। नोआ भी अपनी लाइफ पहले की ही तरह जीने लगी थी पर उसे अब भी दामी की फिक्र थी। ऑलमोस्ट सभी लोगों को अपनी हैप्पी एंडिंग मिल गई थी और इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।